वालेकुम दोस्तों मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपने कुछ प्रोफेशनल टूल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों इसमें बाइक के प्रोफेशनल टूल्स मौजूद हैं और आज मैं अपनी छोटी सी एक वर्कशॉप जो है उसके अंदर जो मेरे पास टूल्स मौजूद हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपनी बाइक का काम खुद करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल टूल्स की जरूरत आपको पड़ेगी प्रोफेशनल टूल्स से दोस्तों काम बहुत आसान हो जाता है और अगर आपकी कोई शॉप है तो क्लाइंट जो है वह आपसे काफी मुतमिन होगा तो इससे क्या होता है कि एक तो चोट लगने वाला काम आसान हो जाता है हैमर का काम ज्यादा नहीं होता और प्रोफेशनली अंदाज से होता है जिसमें क्लाइंट काफी मुतमिन होता है आपसे और आपकी उस्तादी की एक झलक भी नज़र आती है प्रोफेशनल टूल्स में दोस्तों अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं सबसे पहले हम टूल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में मैं आपको फिर अपनी आयल और गेयर आयल के बारे में और ए टी एफ आयल और मैं कौन कौन से ग्रीस इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा तो दोस्तों सबसे पहले तो हैमर काफी ज़रूरी है और उसके साथ आप रबर हैमर लें रबर हैमर नहीं है तो फिर इस तरीके का लकड़ी का हैमर होना चाहिए और ये कपड़ा रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अगर किसी चीज़ पर चोट मार रहे हैं तो कपड़ा रख के फिर आपने चोट मारनी है ये रहती है ये जो है राड स्क्रू ड्राइवर है वन साइडेड ये नोक प्लास है सन कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है जापान और ये ब्लैक बेर आलो का नोक प्लाज है और ये एल्किया हैं चार पाँच और छः नंबर आप रख सकते हैं अब आप गोटियाँ आपके पास आ, जो है मेरे पास मौजूद हैं आठ नंबर से लेके इक्कीस नंबर तक की गोटियाँ मेरे पास अवेलेबल हैं जैसा कि आप देख रहे हैं फोर्टीन एम एम है ये ट्वेल्व एम एम है ये टेन एम एम है और थर्टीन एम एम है सेवनटीन एम एम है नाइनटीन एम एम है तो आप ये गोटियों का सेट गोटी राट ठीक है ये होनी चाहिए आपके पास सिक्सटीन एम एम आपको सी डी का प्लग खोलने के लिए आपको दरकार होगी क्योंकि मेरे पास बाइक सी डी है तो इस किस्म की आपके पास सिक्सटीन एम एम की गोटी होनी चाहिए अब यहां स्टार टाइप स्क्रू ड्राइवर वन साइडेड स्क्रू ड्राइवर और ये टी रॉड आपके पास ट्वेल्व एम एम टेन एम एम और फोर्टीन एम एम होनी चाहिए आपके पास अगर 14 एम mm एम की गोटी है तब भी चल जाएगा काम पर फोर्टीन एम एम की अगर टी राड होगी तो और ज्यादा बेहतर है अब यहाँ हम चलें तो टोटल कंपनी का हमारे पास चक प्लास है और ये बिटे हैं मोटी और पतली स्टार टाइप और यहाँ आप आ जाएं तो यहाँ पाने हमारे पास मौजूद हैं 12 एम mm, 10 टेन एम mm एम mm से लेके और 22 टू mm तक मेरे पास पाने अवेलेबल हैं तो पानों का सेट है ये स्क्रू ड्राइवर का सेट है और अब आ जाते हैं अपने प्रोफेशनल टूल्स की तरफ के जो बाइक के प्रोफेशनल टूल्स हैं तो उसके बारे में आपको बताता चलूँ जैसे ये प्लेयर आपने देख लिया और इस तरीके के आपके पास ब्रश होना चाहिए ख़ास तौर पे जब आप शाक के स्प्रिंग में ग्रीस करें तो इस किस्म के ब्रश से आप ग्रीस कर सकते हैं बहुत अंदर तक अच्छे तरीके से लगेगा ये कलम टाइप ब्रश है पेंटर्स हज़रा के पास काफ़ी होता है इस तरीके का ब्रश होना चाहिए आपके पास अब दोस्तों प्रोफेशनल टूल्स में यह आप देख सकते हैं ये मैग्नेट होल्डर है और ये ए आर के कंपनी का मैग्नेट होल्डर है और बहुत ही यूनिवर्सल है चाहे आपके पास वन टू फाइव है सी डी सेवेंटी है जितना साइज़ आपने करना है इस तरीके से आप मैग्नेट होल्ड करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद हमारे पास चिमटा बुश पुलर है कि चिमटे के बुश को आपको लगाना हो या निकालना हो तो इसके ज़रिए चिमटा बुश पुलर के जरिए आप आसानी से बिना हथौड़ी इस्तेमाल किए आप इसको लगा सकते हैं और दोस्तों यहां मैं आपको कलच गोटी दिखा दूँ ये केली कंपनी की है ठीक है दोस्तों यह आपको नजर आ रहा होगा केली कंपनी की यह कलच गोटी है कलच हाउसिंग में जो नट लगता है उसमें यह इस्तेमाल होती है और केली कंपनी बहुत प्यारी कंपनी और सनराइज भी बहुत प्यारी कंपनी है अब ये जो सनराइज कंपनी का आप देख रहे हैं ये मैग्नेट पुलर है इसकी मदद से मैग्नेट निकालते हैं हम और ये प्रोफेशनल टूल्स हैं दोस्तों अब जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहां पर ये रिंग लॉक निकालने के लिए प्लेयर है ये क्लच पुलर है क्लच प्लेट्स हाउसिंग में से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये एआरके कंपनी का है दोस्तों ठीक है दोस्तों अब दोस्तों ये कटर प्लास है शी के कंपनी का बहुत बेहतरीन कंपनी है शी के और दोस्तों यहाँ गुटका पेशकश है यह यूनिवर्सल है वन साइडेड भी है और स्टार साइड भी है और ये आ, टेपिट एडजस्टर है और इसकी मदद से आप टेपेट एडजस्ट करेंगे ठीक है दोस्तों और ये क्लच हाउसिंग होल्डिंग के लिए है क्लच हाउसिंग जो है उसको होल्ड करने के लिए जब हम उसमें गोटी लगाते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए ये काम आता है दोस्तों इस किस्म की हैंडल के नट की चाबी होनी चाहिए तीस और उनतीस नंबर की ये भी ए आर के कंपनी की है बहुत बेहतरीन है दोस्तों इस तरीके आपके पास कटर होना चाहिए और ये दो स्रिंजेस देख रहे हैं इसमें निडिल लगी हुई है जो भैंस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं हम एक्सिलेटर केबल और क्लच केबल में आइल लगाने के लिए ये इस्तेमाल करता हूँ मैं इस तरीके की सरिज होनी चाहिए आपके पास ये सेवनटीन एम एम का जो आप पाना देख रहे हैं ये जो है ये टेपिड कवर खोलने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं और यहाँ आप देख रहे हैं ये फीलर गेज है इसमें ज़ीरो पॉइंट फाइव एम है जीरो पॉइंट जीरो एट एम है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टेन एम एम है और जो है प्लग का गेप भी आप इसके ज़रिए सेट कर सकते हैं ये फीलर गेज लाजमी होनी चाहिए और दोस्तों ये आप शार्क पुलर देख रहे हैं पिछले शार्क निकालने के लिए और लगाने के लिए ये पुलर इस्तेमाल होता है ये बेहतरीन क्वालिटी है इसकी दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना हुआ है इस किस्म का शार्क पुलर आपके पास ज़रूरी है आइल कैन खास तौर पर पिछला ब्रेक जो हम लगाते हैं सलेंसर वाली साइड पे हो, उस जगह पे आयल डालना काफ़ी दुशवार होता है तो इस आइल केन की मदद से आप आयल लगा सकते हो नॉर्मल जगहों पे आप आयल लगा रहे हैं तो इस टाइप की आपके पास बोतल होनी चाहिए डी डब्ल्यू फोर्टी आपको जरूरत पड़ सकती है और इस किस्म की बोतल होनी चाहिए पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रीस की तो मैं दो टाइप की ग्रीस इस्तेमाल करता हूँ एक सेंथेटिक ग्रीस इस्तेमाल करता हूँ वेगा कंपनी की जैसा कि ये आप देख रहे हैं और हाई टेम्परेचर ग्रीस भी मेरे पास अवेलेबल है बेंटॉप कंपनी की जो अंदर से बिल्कुल रेड कलर की आप देख रहे हैं हाई टेम्परेचर ग्रीस है बहुत बेहतरीन है काफी अरसा दराज से मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों ये जो आइल आप देख रहे हैं ये ए टी एफ आइल है ए टी एफ मीन्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लू और ये जो है अगले शाक जो हैं अगले झम्प जो हैं उनके अंदर ऑयल मैं ये मैं इस्तेमाल करता हूँ ये जो दो आप देखें ओपिट कंपनी और कार्टेक्स डेलो गेयर ये गेयर आयल मैं चैन वगैरह के लिए चैन को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ या क्लच केबल में और एक्सलेटर केबल में लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो इस किस्म के आपके पास गेयर आयल होना भी ज़रूरी है दोस्तों अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने सी डी सेवेंटी बाइक न्यू ली थी तो मैं कार्टेक्स का प्रो डी एस यूज़ करता था ठीक है दोस्तों ये ए पी आई एस एन ग्रेड है और जो रेड कलर का आयल है कार्टेक्स का वो ए पी आई एस जी ग्रेड है और वो नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी थ्री उन्नीस सौ तिरानवे का ग्रेड है उसके बाद काफ़ी ग्रेडिंग में जो है अमेंडमेंट हुई है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था अब मैं अपनी बाइक में एटलांटिक कंपनी का आयल यूज़ करता हूँ यू का आयल है और ये फुली सिंथेटिक है इसकी विस्कोसिटी गर्मी की मैंने चेंज नहीं की सर्दी की विस्कोसिटी मैंने चेंज कर ली है तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं अभी भी काफी प्रोफेशनल टूल्स लेने हैं जिस तरीके से फ्रंट शाक की सील निकालने का पुलर है और फ्रंट शार्क की सील बिठाने का ठप्पा जिसे सील ठप्पा कहते हैं और जो हमारी कौन सेट हैंडल की कौन सेट बिठाने के लिए एक पुलर आता है वो दरकार है टेकोमीटर आ, दोस्त लेके गया हुआ है टेकोमीटर भी मेरे गजट्स में मौजूद है टेकोमीटर की मदद से मैं अपनी बाइक की पेट्रोल की सेटिंग करता हूँ माइलेज की सेटिंग करता हूँ एयर फिल्टर मिक्सचर की सेटिंग उसके थ्रू में करता हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग आके खड़ी होती है और इनशाला इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अपने प्लग की कंडीशन आपको बताऊँगा तो आप मेरी प्लग की कंडीशन देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि वाकई मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं बाइक के ऊपर तो मुझे काफ़ी अल्लाह ताला अल्ला ने इसमें इंक्रेज रखा ये अल्लाह का फजल है अल्लाह के बड़े एहसानात हैं मुझ पर तो दोस्तों अभी भी काफ़ी टूल्स लेने हैं और इन शह जैसे ही वो लूँगा तो आपको रिव्यू दूंगा उन टूल्स का अगले शाख का पुलर भी आता है इसी किस्म का होता है सील वील लगाने का और सील बिठा बिठाने के लिए और दोस्तों जो ड्रम है पिछले व्हील के जो ड्रम है उसके बैरिंग किस तरीके से निकालते हैं उसका हम मैनुअल एक पुलर बनाएंगे और प्रोफेशनल पुलर भी आता है मैनुअल थोड़ा सस्ता पड़ेगा और प्रोफेशनल थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा तो इनशाला जैसे ही वो मैं अगर लूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा इनशाला और उससे ये कि बसानी आप व्हील के बेरिंग निकाल सकते हैं कोई चोट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और व्हील का जो ड्रम है उसका कालर भी खराब नहीं होगा दोस्तों तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा